दोस्तों YouTube में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो कि आपको समझ में आएगी। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये डे नाइट सेंसर है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे इसके अंदर में क्या क्या है, ये क्यों प्रॉब्लम दे रही है, तो हम चेक करेंगे। देख रहे हैं आप, ये इसकी सर्किट डायग्राम है पीसीबी का, डे नाइट सेंसर का ये पीसीबी है। तो दोस्तों इससे हम लोग कोई भी अप्लायंसेस में आप लगा सकते हैं, दिन में वो अपने लाइट बंद हो जाएगा और रात में चालू हो जाएगा। डायग्राम बनाई है, तो दोस्तों ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसकी ये SMD PCB है और इसमें एक LDR लगा हुआ है, दो कैपेसिटर है, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस है, बाकी सब SMD इसमें कंपोनेंट है। तो दोस्तों ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में आपको, दोस्तों यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट होता है, यहाँ पे लाइन वहां से आपका एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 1 वाट में है। उसके बाद में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ड्रॉप करने के बाद डायोड के थ्रू वोल्टेज को डाउन किया जाता है और जो वोल्टेज यहाँ पे डीसी निकलता है उसको, जो रिपेल वोल्टेज है उसको यहाँ पे फिल्टर किया जाता है, यानी कॉन्सेंट या वोल्टेज फिल्टर करके कॉन्सेंट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ सप्लाई से 220 के रेजिस्टेंस के थ्रू डायोड जो है यहाँ पे डायोड है वहाँ पे देने के बाद में उससे डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है BC547 उसके बेस पे दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई मिल जा रही है तो डायरेक्टली ये ऑन हो जाती है, यानी कि ये ऑन हो जाती है जब ये इसका LDR वर्क नहीं करता उस पीरियड में ये ऑन हो जाती है। जैसे इसका दिन होता है LDR वजह से लाइट पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो यहाँ का वोल्टेज जो है 220 के कर जो रेजिस्टेंस के जो वोल्टेज दे रहा है उसको ड्रॉप कर देता है। जैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ पर वोल्टेज मिलना कम हो जाता है, यानी कि मिलना बंद हो जाता है, उस पीरियड में ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, यानी कि इसकी आउटपुट ऑफ हो जाती है। उसी तरह जब इसमें लाइट मिलना जब चालू हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह सर्किट बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रिले है, रिले पे एक 4148 डायोड लाया गया है क्योंकि ये रिले को प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों यही इसकी सर्किट है, यहाँ पे दो कैपेसिटर है फिल्टर के लिए लगाए गए हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।